आज से कुछ 50 वर्ष पूर्व चीन ने अपनी सीमा को बढ़ाने की लालसा से तिब्बत पर आक्रमण किया। इस हमले से मची अफरा तफरी और तबाही के कारण तिब्बती अपने देश को छोड़ने पर विवश हो गए, जिसके बाद भारत ने विश्व बंधुत्व का दायित्व निभाते हुए इन तिब्बतियों को रहने के लिए जगह दी। कुछ ऐसे ही तिब्बती बसे हैं दिल्ली के यमुना किनारे स्थित तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप में। कैंप का सबसे खूबसूरत और आकर्षक स्थल है यहाँ के मंदिर। मंदिरों में लगे प्रेयरवील और उनसे निकलती हुई घंटियों की आवाजें हमारा ध्यान एकाएक तिब्बती धार्मिक आस्था की ओर एकाग्र करती हैं। कैंप में एक और चीज हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है और वो है हर घर पर लगे झंडे। यहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि झंडों पर लिखे मंत्र आसपास के वातावरण को पवित्र करने और बुरी शक्तियों से बचाने में सहायक होते हैं। पर जहां लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम हो, वहां बुरी शक्तियों का निवास होना मुश्किल ही है। सन 1959 के बाद से जो लोग यहां आए उनमें से बहुत ही कम अब जीवित हैं, और जो लोग यहां रह रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का जन्म यहीं हुआ है। बर्थ दिल्ली में ही 1973 में हुआ था। हमारे दिल में रोज़ ये होता है कि मैं जाऊं तिब्बत, जाऊं देखूं अपने देश कैसा है, फिर भी अभी तक जा नहीं पाया। हमारे तिब्बती में एक कहावत होता है, जब पक्षी बर्ड्स बूढ़ा हो जाता है वो अपने घोंसला याद करता है, और इंसान बूढ़ा हो जाता है वो अपने देश बेस याद करता है। तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। आज जब ये शरणार्थी यहाँ रम गए हैं तो इनके आड़े आ रहा है दिल्ली का विकास। The PWD has given us, the notice saying that there is a project here in 2020 in which the whole Yamuna bank will be cleared up, and as you know, because of that project, and Tibetans will have to be also rehabilitated somewhere else. इनके लिए जिंदगी अभी भी आसान नहीं है, अभी भी ये संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए। इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान कामयाब है उनकी ज़िंदगी में एक बार मकान बनाया जाता है, अगर ये टूट के अगर दूसरे रिहैबिलिट करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और जो 1960s में जो हम लोग यहाँ पे झोपड़ी में रहता था उसी जगह में फिर दोबारा आ जाएंगे। इतने मिलनसार लोग, इतनी धनी सभ्यता, क्या इन्हें फिर वही दिन देखने पड़ेंगे जो इनके पुरखों ने आज से 50 वर्ष पूर्व देखे थे? क्या एक बार फिर इन्हें अपना आशियाना छोड़ दूसरी जगह शरण लेनी पड़ेगी?